आज देश में जारी है बाढ़ और बारिश का कहर। यूपी के बुलंदशहर से सामने आई तबाही की तस्वीरें, घर की दीवारें गंगा में समा गई। बढ़ते जलस्तर और गंगा कटान को लेकर घाट के पास के गांव में दहशत। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर हाहाकार, लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रामनगर, उत्तरकाशी और हरिद्वार समेत कई इलाके सैलाब से बुरी तरह प्रभावित, कुदरत से राहत की गुहार लगा रहे हैं लोग। ऋषिकेश में भी उफनती गंगा में बच्चे लगा रहे हैं जिंदगी की खतरनाक छलांग, प्रशासन का रुख बेपरवाह। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटने से राहत, बाढ़ का खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज में उफान पर गंगा, यमुना निचले इलाकों में घुसा नदी का पानी। आगरा में खतरे के निशान के पार पहुंचा यमुना का पानी, निचले इलाकों में लोगों की मदद के लिए तैयारियों में जुटा है प्रशासन। मिर्जापुर के हालिया थाना इलाके में लगातार दो दिनों से हो रही बरसात से पहाड़ी नदियां उफान पर। नदी के उफान पर होने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी, ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बीमार बुजुर्ग को सहारा देकर नदी पार कराई। घंटों इंतजार के बाद जान को खतरे में डालकर नदी पार करते हैं बाइक सवार और ट्रक ड्राइवर। नदी का उफान और पानी का तेज बहाव देखकर दहशत में ग्रामीण सता रहा है तबाही का डर। हापुड़ में सिटी कोतवाली इलाके में करीब 100 साल पुराना दो मंजिला घर महज 5 सेकंड में जमींदोज। मकान गिरने से इलाके में हड़कंप मचा, चारों तरफ दिखाई दी सिर्फ धूल ही धूल। उत्तरकाशी के आराकोट, मोलदी, तिकोची जैसे कई गांव में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही, जमीनी हालात जानने जान जोखिम में डालकर पहुंची News24 की टीम। News24 की ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा उत्तरकाशी की तबाही का हैरान करने वाला सच, कई जगहों पर मिट चुका है गांव का नामो निशान, अस्पताल कॉलेज सब तबाह। मोदी के साथ बातचीत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कश्मीर मुद्दों पर किसी भी देश को मध्यस्थता नहीं करनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान मिलकर निकालेंगे कश्मीर मुद्दे का हल। पीएम नरेंद्र मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि 36 राफेल विमानों में पहला विमान अगले महीने भारत को सौंपा जाएगा। साझा बयान में बोले पीएम मोदी, हमारा लक्ष्य भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। मोदी बोले भारत फ्रांस की दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं टिकी है, दोनों देशों को आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, हमें इससे निपटने के लिए फ्रांस का सहयोग मिला। दो दिवसीय यात्रा पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं पीएम मोदी, विदेश मंत्री ले ड्रियन ने एयरपोर्ट पर किया शानदार स्वागत। पेरिस पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे हैं। मोदी G7 में भाग लेने के बाद पहली बार बहरीन जाएंगे, ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। INX मीडिया केस में पी चिदम्बरम को झटका, 26 अगस्त तक CBI रिमांड पर। सुप्रीम कोर्ट में आज चिदंबरम की अग्रिम याचिका पर सुनवाई होगी, ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई। चिदंबरम को सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने 5 दिन के सीबीआई रिमांड में भेजा। कोर्ट में चिदंबरम के पक्ष में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। सीबीआई पी चिदंबरम को लेकर हेडक्वार्टर पहुंची, वकील और परिवार के लोग हर दिन 30 मिनट के लिए चिदंबरम से मिल सकेंगे। सीबीआई कोर्ट का आदेश, हिरासत में आरोपी की निजी गरिमा का हनन ना हो, कोर्ट में बोले पी चिदंबरम, एजेंसी के हर सवाल का जवाब दिया है।
बुधवार सीबीआई को चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी। सीबीआई हेडक्वार्टर में करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली थी। चिदंबरम पर 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश के लिए आईएनएक्स मीडिया को गलत तरह से मंजूरी दिलाने का आरोप है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। कांग्रेस ने चिदंबरम पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया, कहा चिदंबरम का नाम भी एफआईआर में नहीं है। यूपी में योगी सरकार ने नए और पुराने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। सुरेश खन्ना को मिला वित्त मंत्रालय। सिद्धार्थनाथ सिंह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लेकर जय प्रताप सिंह को सौंपा गया। सिद्धार्थनाथ सिंह अब खादी और ग्राम उद्योग मंत्री बने। आशुतोष टंडन को नगर विकास मंत्री बनाया गया। महेंद्र सिंह जल शक्ति विभाग के मंत्री होंगे। राम नरेश अग्निहोत्री को आबकारी विभाग सौंपा गया। सतीश द्विवेदी का कद बड़ा, बेसिक शिक्षा जैसा बड़ा विभाग मिला। जय प्रताप सिंह बनाया गया चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपनी ताकत झोंकने में जुटे सीएम मनोहर लाल खट्टर। कुरुक्षेत्र में किया रोड शो। रोड शो में अब की बार 75 पार, फिर एक बार मनोहर सरकार का गूंजा नारा। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में होने हैं चुनाव। आईएलएनएफएस केस में एमएनएस चीफ राज ठाकरे की ईडी में पेशी। ईडी दफ्तर में करीब 8 घंटे तक हुई पूछताछ। एमएनएस के हंगामे को देखते हुए ईडी ऑफिस के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। 4 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम। दिल्ली के केडी जाधव इंडो स्टेडियम में भी कार्यक्रम का आयोजन। सोनिया, राहुल, प्रियंका सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। देश भर से आए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पीएम मोदी पर सोनिया गांधी ने इशारों ही इशारों में साधा निशाना। कहा 1984 में राजीव गांधी पूर्ण बहुमत से आए थे, लेकिन राजीव ने डर और भय फैलाने का काम नहीं किया। राजीव गांधी जयंती पर सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव ने देश की तरक्की के लिए साइंस का इस्तेमाल किया। यूपी के मिर्जापुर में सरकारी स्कूल से शर्मनाक तस्वीर आई सामने। मिड डे मील के नाम पर बच्चों को खाने के लिए दिया रोटी और नमक। जमालपुर के ग्राम सभा हिनौता के स्कूल की घटना। मिड डे मील की जगह सरकारी स्कूल में बच्चों को परोसा गया रोटी और नमक। रविदास मंदिर मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर सहित सभी 96 लोगों को न्यायिक हिरासत। 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। पुंछ में सीमा पार से भारी गोलीबारी। चंद्रयान 2 ने भेजी चांद की खूबसूरत तस्वीर। लैंडर विक्रम ने यह तस्वीर 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से ली है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों और बाजारों में तैयारियां। बाजारों में कृष्ण की मूर्ति की दुकानें सजी। एमपी के पन्ना में सड़क पर शिकार करते बाघ का वीडियो वायरल। राहगीरों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया बाघ का शिकार। पन्ना से मझगांव जाने के दौरान सड़क किनारे बाघ ने गाय को अपना शिकार बनाया। राहगीरों ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर वायरल किया। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कर्मचारी के रूप में बंदरों के आतंक को खत्म करने के लिए लंगूर को तैनात किया गया। विश्वविद्यालय में बंदरों से हो रही परेशानी को निजात दिलाने के लिए लंगूर की तैनाती की गई। लंगूर के मालिक को इस लंगूर के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन भत्ता दिया जाता है। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। सीवर की सफाई के दौरान 5 कर्मचारियों की मौत। सीवर की सफाई करने उतरे थे 5 मजदूर, 5ों की अंदर दम घुटने से मौत। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके की घटना। ठेकेदार मौके से फरार। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी के शव निकाले।
लखनऊ के हजरतगंज इलाके में सरेआम फायरिंग, इलाके में फैली दहशत। सोनभद्र में आकाशीय बिजली का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से करीब एक दर्जन लोग झुलसे। धान की रोपाई कर रही पांच महिलाएं झुलसी, बैंक ड्यूटी से वापस आ रहे दो पुलिसकर्मी आकाशीय बिजली की चपेट में आए, अस्पताल में भर्ती करा। पंजाब के फरीदकोट के जैतो कस्बा में कबड्डी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर। प्रैक्टिस के बाद साथी के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौटने के दौरान सिर में गोली मारी, गंभीर हालत में लुधियाना रेफर किया गया। पंजाब के फरीदकोट में कर्ज से दबे किसान ने अपने खेत में पेड़ से फंदा लगाकर की खुदकुशी। HDFC बैंक की 10 लाख की लिमिट नहीं उतारे जाने के चलते परेशान था किसान, कर्ज से तंग आकर जान दे। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रोडरेज के बाद लूटपाट का मामला आया सामने, दबंगों ने लूटे 15 लाख रुपए। दबंगों ने कार में टक्कर मारने के बाद दुकान में घुसकर मारपीट की, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पीड़ित ने पुलिस में दी मामले की शिकायत, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। इंदौर के लसूरिया में इलाज का झांसा देने के नाम पर एक लड़की की इज्जत से खिलवाड़, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तंत्र मंत्र से बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले ने पीड़िता को मुंह खोलने पर दी जान से मारने की धमकी। मामला खत्म करने के नाम पर आरोपी पीड़ित के परिवारों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने लगा, तब पुलिस तक मामला पहुंचा। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में आपसी झगड़े में मकान मालिक ने किराएदार को गोली मार दी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है किराएदार। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, वारदात में इस्तेमाल हथियार भी जब्त। यूपी के सीतापुर में बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों पर गन्ना सचिव को पीटने का गंभीर आरोप आया सामने, सीसीटीवी फुटेज में गन्ना समिति के सचिव राम प्रताप को पीटते नजर आने बीजेपी विधायक महेंद्र यादव के गुर्गे। जिले के गन्ना कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन, हाथों में विधायक मुर्दाबाद की तख्ती लेकर जोरदार नारेबाजी की। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने बिस्वा से बीजेपी विधायक और उनके 15 से 20 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया, मामले की जांच शुरू। बलरामपुर में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस देने के प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट उज्ज्वला योजना पर भ्रष्टाचारियों ने गड़ाई नजरें, झाड़ियों में छिपाए गए 5000 गैस सिलेंडर बरामद। डीएम को सूचना मिली थी कि पच पेड़वा की भार्गव गैस एजेंसी के पास झाड़ियों में छिपा कर रखे गए बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना के अवैध गैस सिलेंडर। बड़ी तादाद में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस सिलेंडर से देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए, गैस एजेंसी के मालिक समेत 5 पर मुकदमा दर्ज। एमपी के झाबुआ में जन्माष्टमी से ठीक पहले कृष्ण की वेशभूषा में एक साथ सबसे ज्यादा बच्चों के इकट्ठा होने का रिकॉर्ड बना। राजवाड़ा चौक पर एक ही स्कूल के 3 से लेकर 12 साल तक के 1128 बच्चे कन्हैया के रूप में पहुंचे। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने का रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, 437 बच्चों का था पिछला रिकॉर्ड।